पौड़ी जिले में मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है। पौड़ी जिले में आज मानसून की पहली वर्षा हुई। वर्षा को देखते हुए जिला अधिकारी पौड़ी ने पहले ही श्रीनगर, कुड़दार और सतपुली के क्षेत्र को अलर्ट पे रखा है। पौड़ी में मानसून सीजन से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियों को पूर्ण बताया है। जिलाधिकारी ने कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली, श्रीनगर जैसे कई क्षेत्रों को संवेदनशील माना है, जहां पर पिछले कुछ वर्षों में आपदा की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ इन क्षेत्रों में काफी चौकस और सतर्क रहेगा। पौड़ी जिला मानसून के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। अगर हम कोटद्वार वाले इलाके को थोड़ा सा श्रीनगर के इलाके को छोड़ दें, जब जलस्तर हमारा बढ़ जाता है पर्वतीय क्षेत्र में, जब बारिश शुरू हो जाती है, तो कोटद्वार में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हमारी रहती है। जो 2017 का इंसिडेंट हुआ था जिसमें जल भराव की स्थिति आई थी, तो उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो वो दिक्कत इसलिए नहीं आएगी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने लार्ज स्केल में वहाँ पर रिवर ट्रेनिंग करा रखा है इस बार 7-8 जगह पे, जिसकी वजह से रिवर को जो चैनलाइज किया गया है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस बार जल भराव होगा। फिर भी कौन जानता है नेचर की, उसको हो सकता हो जाए, लेकिन उस हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है। SDRF हमारी वहाँ तैनात रहती है, हमारे कोटद्वार में, सतपुली में भी है, और राजस्व विभाग हमारा हमेशा सतर्क रहता है, और उसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो भी हमें ड्राई राशन वगैरह हमें रखने हैं, रेडी टू ईट फूड वाले जो भी राशन हम लोग को रखने हैं, वो हम लोगों ने रख लिए हैं। आपदा की घटनाओं पर आपदा कंट्रोल रूम 24 घंटे नजर बनाए रखेगा और पल पल की जानकारी जिलाधिकारी को देगा। न्यूज स्टूडियो के लिए पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट।